एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है एर्गोनॉमिक्स के ऊपर। एर्गोनॉमिक्स क्या होता है? तो बेसिकली एर्गोनॉमिक्स जो है वो एक साइंस है और एक प्रैक्टिस करने का तरीका है जॉब को, वर्क प्लेस पे। ठीक है, आपको जॉब कैसे करनी है अपने वर्क प्लेस पे, आपको किस तरीके से कैपेबिलिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, क्या क्या लिमिटेशंस आपके साथ होनी चाहिए आपकी ह्यूमन बॉडी के लिए। अब क्या होता है, जैसे कि कोई इंसान कोई काम कर रहा है, अब उसकी बॉडी नहीं उतना रेसिस्ट कर पा रही, उतना काम उसकी बॉडी से नहीं किया जा रहा है, पर फिर भी वो कर रहा है, तो क्या उसको क्या होगा? उससे थकावट होगी, ठीक है, उसे फटीक होगा, उसे वीकनेस आएगी, तो वो काम ठीक से नहीं कर पाएगा। तो एर्गोनॉमिक्स जो है वो यही बताता है कि आपको एक साइंस है, एक प्रैक्टिस है, एक डिज़ाइन है जॉब को करने का आपकी कैपेबिलिटीज़ और लिमिटेशंस के हिसाब से। ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? सेफर जॉब्स आप कर सकते हैं विदाउट इंजरीज, ठीक है, इफ़िशेंसी इंक्रीज़ कर सकते हैं और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ कर सकते हैं और क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। ठीक है, और अपना मॉरल भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसे कैसे होगा? अब देखिए, आप एर्गोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग अगर काम करते हैं तो आप अपनी जॉब को पहले तो सेफर बनाएंगे। सेफ बनाने से आपके वर्क प्लेस पे, आपके एरिया में होने वाले एक्सीडेंट्स से आप बचेंगे, इंजरीज से आप बचेंगे। तो इन सब से जब आप बचेंगे तो आपका जॉब वर्क प्लेस जो है वो सेफ़ रहेगा। ठीक है, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी। तो एर्गोनॉमिक्स जो है वो हमें यही सिखाता है कि आप जो भी वर्क कर रहे हैं उसे ईजी वे में करें। ठीक है, आपकी बॉडी को कोई इफ़ेक्ट ना हो और आप काम उतना ही करें जितना ही आप जितना कि आपकी बॉडी कर पा रही है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करेंगे एर्गोनॉमिक्स अवेयरनेस की, जो कि हमें ज़रूरी है जानना। इसको बोलेंगे एर्गोनॉमिक्स अवेयरनेस एजुकेशन शुड। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। तो क्या पता होना चाहिए? आपको सबको इन्फॉर्मेशन देनी है कि आपका रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, आपको कौन से जोन में नहीं जाना है, कौन सा क्वेश्चंस जोन है, इन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन देना लोगों को। आपको सिम्टम्स के बारे में बताना कि आप किस तरीके का काम करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको आ सकती हैं। और उनके अंदर होने वाली अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उनकी बॉडी किसी भी तरीके से रिएक्ट कर रही है, उनके सिम्टम्स को अगर आप चेक कर लेते हैं तो उनको इन्फॉर्मेशन देना कि आपके ये सिम्टम्स जो हैं वो इस कारण से आ रहे हैं। ठीक है, आपको इम्पोर्टेंस बताना है और रिपोर्टिंग के सिम्टम्स बताने हैं। ठीक है, आपको हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन आना ज़रूरी है, मेज़र करना उन्हें ज़रूरी है, उन्हें कैसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं वो ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि देखिए रिस्क फैक्टर आप जब तक नहीं पता होगा, आप हज़ार्ड आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, तब तक क्या होगा, आपको उस चीज़ की नॉलेज नहीं होगी और एक्सीडेंट्स की जो रेट है वो इस तरीके से बढ़ती जाएगी। तो हमारा काम क्या है, हमें उसे रिड्यूस करना है, कम करना है। ठीक है, उसका मेज़र जो है उन्हें कम से कम वाली प्लेस पे रखना है। तो इसीलिए एर्गोनॉमिक अवेयरनेस इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आप अपनी ड्यूटी जो है, आपकी जॉब जो है वो सेफली कर पाएँ। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं एर्गोनॉमिक रूल के, उनके बारे में सबको बताया। देखिए, यही रिक्वायरमेंट होती है कि आप अपनी जॉब को लेके कितना प्रैक्टिकल हैं, किस तरीके से उसे कर रहे हैं, कितना सेफ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आपके आउटकम्स क्या क्या होते हैं एर्गोनॉमिक्स के करने के बाद। तो ठीक है, आपके जॉब सेफ़र हो सकती है, इंजरीज और इलनेस से आप बच सकते हैं। ठीक है, ईजियर आप अपनी जॉब को बना सकते हैं और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव अपनी जॉब को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कैसे हो सकती है, जब आप एर्गोनॉमिक के जो रूल्स हैं उन्हें फॉलो करते हैं। तो एर्गोनॉमिक्स जो है वो टोटली इसी पे बेस्ड है कि आपकी जो जॉब करने का तरीका है, जो आपकी फुलफिलमेंट है जॉब के लिए, कि आप कैसे सेफ रह के, इसमें ये नहीं है कि आपको मतलब जॉब करना है, अच्छे से करना है, वो तो है ही, आपको खुद को भी फिट रखना है विदाउट एनी एक्सीडेंट्स, विदाउट एनी इंजरी आपको वो काम करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या है अपनी जॉब को सेफ बना सकते हैं और आपके आउटकम्स जो एर्गोनॉमिक्स फॉलो करने के बाद जो हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि सेफर, मेक द जॉब सेफर बाय प्रिवेंटिंग इंजरीज एंड इलनेस। ठीक है,
आप इन प्रिवेंशन दे सकते हैं, इंजरीज और इलनेस को रोक सकते हैं, अपनी जॉब को सेफर बना सकते हैं, ईजियर बना सकते हैं एडजस्ट करने के बाद, जॉब वर्क्स को एडजस्ट करने के बाद, और उसे मेक्स द जॉब मोर प्लीजेंट भी बना सकते हैं आप, रिड्यूसिंग फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस. ठीक है, जब आप अपने प्रॉपरली वर्क कर रहे होंगे तो आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस से भी दूर रहेंगे, और विदाउट स्ट्रेस वर्क बहुत ही अच्छे से आप परफॉर्म करेंगे, और इस तरीके से आपके यहाँ होने वाले जो भी जितने भी एक्सीडेंट्स हैं उनकी भी जो रेट है वो कम हो जाएगी. ठीक है, तो ये आज मैंने आपको एर्गोनॉमिक्स के बारे में बताया. ठीक है, जो कि हमारा एक तरीके का हैजार्ड्स के अंदर भी आता है, तो इसमें यही आपको पूरा सिखाया जाता है कि आप किस तरीके से अपने वर्क प्लेस पर सेफ्टी मेंटेन रख सकती हैं, और सेफ्टी मेंटेन रखने के साथ साथ आपको जॉब भी अच्छे से करना है, अपने प्रोडक्टिविटी भी आप इंक्रीज़ रख सकते हैं. ठीक है, सो